Ratna Bhushan and welcome to the program The Great Prime Minister and the Great Nation. Good morning, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your third efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Before starting the program, I would like to read the preamble of our constitution. And here it is, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So the most important fact of today's ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जम्मू कश्मीर को नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उनकी सरकार वहां के लोगों के साथ है और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. पीएम ने यह बात फॉलोअर के ट्वीट पर दी जवाब में कही. पीएम ने रविवार को चेन्नई नासरी टनल का उद्घाटन किया. उन्होंने राज्य की जनता को आश्वस्त किया था कि विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. इस दौरान राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य के सतत सहयोग के लिए मोदी की प्रशंसा की थी. एक समर्थक ने महबूबा के वक्तव्य पर ट्वीट किया था. एक अन्य ट्वीट के जवाब में मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर को कभी जाकर देखो, बहुत खूबसूरत है. मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य कश्मीरियत, जमहूरियत व इंसानियत का हवाला देकर कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार व्यापक योजना तैयार कर रही है. सो प्रधानमंत्री का सदा ही प्रयास रहा है कि इस देश को, इस पूरे भारतवर्ष को और यहाँ की जनता को एक विशेष गरिमा दिया जाए और इस देश को इतनी ऊंचाइयों पर लिया जाए, ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए. उनकी लगन, उनकी मेहनत सदा ही सराहनीय है. और इस प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एक ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एक छोटा मोटा नेता हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस देश हित में या समाज के लिए काम कर रहा है, तो मैं इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगा. आपके अगर कोई सजेशन है तो प्लीज सेंड टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9560880587. बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन विच आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सर, हर 2 किलोमीटर पे एक डस्टबिन और वॉशरूम होने चाहिए एंड इट मस्ट बी पेड. मुझे लगता है कि लोग इसका विनम्रपूर्वक स्वागत करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक वॉशरूम है वो बहुत ही अनहाइजेनिक है. अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से काम में बढ़ोतरी हो रही है. दूसरा सर सजेशन मेरा ये है कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए इन द मेमोरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, जिसमें पूरे भारतवर्ष के हर इलाके से उन चुने हुए बच्चों को लिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए ताकि हम लोग विश्व में मेडल्स लाएं और इस देश का नाम करें रोशन. तीसरा सर ये है कि भारत का हर मॉन्यूमेंट मस्ट बी मेंटेन होना चाहिए. सर, सुबह के समय में ट्रैफिक पुलिस कोई नहीं रहता है, जिससे लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं. तो इसलिए ये जरूरी है कि हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस और जो बत्तियां जलती हैं, लाल हो चाहे पीली हो, वो एक रेगुलर और टाइम इंटरवल पे होने चाहिए. कभी बत्ती जलती है तो कभी कुछ नहीं होता है. एंड देन कैन इनकरेज द पीपल टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. मेट्रो के सारे स्टेशन, चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं पे भी हो, उनको एक सोशल फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, स्पोर्ट्समैन को डेडिकेट करना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए काम किया. सर, प्लांटेशन ऑफ ट्री को एक फेस्टिवल कल्चर की तरह डेवलप किया जाए और जिस व्यक्ति का भी इसको इनकरेज किया जाए कि जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन एक पेड़ जरूर लगाए. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन फॉर यू सर. आई होप हम लोग इस देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रीड द फंडामेंटल ड्यूटीज. आई वॉन्ट दैट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्बल मस्ट बी डिस्प्ले ऑन ईच एंड एवरी पब्लिक प्लेसेस, इधर स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, मॉल्स, सभी जगह ये डिस्प्ले जरूर होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to abide by the constitution and respect its ideal institution, the national flag and national anthem, to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty and unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood,
amongst all the people of India transacting religious, linguistic and regional or sexual diversity and to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, to have compassion for the living creatures, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. So this is the most important program. Sir, your efforts are always appreciable. Thank you, sir. We are proud on you. Your dedication and hard work is the example for the nation. We can make this country more clean, more beautiful, and more glorious. Jai Hind!